नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के धारचूला के दो बाट में वाहन की चपेट में आने से एक वाहन दब गया, पर गंभीर घायल हुए चालक ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे की चपेट में आने के बाद भी अपनी जान बचा ली, लेकिन चालक को गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। अब द कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात धारचूला से बूंदी को जा रहा वाहन दो बाट के पास पहाड़ी दरकने से गिरे मलबे की चपेट में आ गया। उसमें सवार चालक भी मलबे में दब गया। हादसे की सूचना मिलते ही धारचूला थानाध्यक्ष के एस रावत सहित पुलिस, NDRF, राजस्व, BRO की टीम घटनास्थल को रवाना हुई। क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और लगातार पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण घटनास्थल तक पहुंच पाना खतरे से खाली नहीं था। लगातार भारी बारिश जारी थी। इस दौरान मलबे में वाहन के साथ दबे हुए चालक ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे को हटाते हुए वहां से भागते हुए आ गया। मलबे में दबने के कारण वह पूरी तरह से घायल हो गया था। वह इतना भयभीत बताया जा रहा है कि बोल भी नहीं पा रहा था। भारी बारिश व पहाड़ी से गिरे पत्थरों के कारण मार्ग बंद थे। बताया जा रहा है कि घायल को अस्पताल लाना भी इस दौरान संभव नहीं हो पाया, जिस कारण उसे वहीं प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर वाहन चालक ने अकेले होने की बात कही। आज प्रातः रेस्क्यू टीमें घटनास्थल को रवाना हो गई थी। मार्ग बंद होने के कारण टीम सदस्यों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार पढ़े जाने तक घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं जुट पाई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुने। धन्यवाद।